पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा लग रहा है जैसे ऑटो डिस्ट्रक्टिव मोड पर चला गया है, खुद को अपने आप को ऑटो पर लगाया और बोला कि चलो जी डिस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि बीते कुछ महीनों से ऐसा लग रहा है पाकिस्तान के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और ये वर्ल्ड कप का ही किस्सा नहीं, आप बोलेंगे अच्छा जी वर्ल्ड कप से मामला खराब हुआ, नहीं मामला तो खराब हो गया था एशिया कप से ही, जब पाकिस्तान नंबर वन टीम बनी थी और उसके बाद एकदम से कहते हैं ना जितना ऊपर जाओ अगर वहां से गिरते हो तो उतनी तेज गिरते हो, और वहां से जब डाउनफॉल आया आप अपने पेसर्स पर बहुत उड़ते थे लेकिन उसके बाद आपके पेसर्स की अच्छी खासी पिटाई होती है, फिर नसीम शाह इंजर्ड हो जाते हैं, आप फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में आते हो इंडिया, वहां भी काफी बुरी परफॉर्मेंस रहती है, अपने आप को सेमीज में नहीं लेकर आ पाते हो, और फिर इस परफॉर्मेंस के बाद जब वापस जाते हैं तो आपने कप्तान को हर तरफ से हटा दिया, आप अपने कप्तान पर सारा जितना भी आपने वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्म करा आपने जिम्मेदार बना दिया अपने कप्तान को, और फिर बाबर आजम को कप्तानी छोड़नी पड़ी तीनों फॉर्मेट से, फिर उसके बाद चेयरमैन जो आपके थे उन्होंने भी छोड़ दिया, आपके जो हेड कोच थे उन्होंने भी छोड़ दिया, मतलब एक टाइम पर आप रमीज राजा को उनके साथ देखते थे, फिर उसके बाद आप नजम शेट्टी को साथ में देखते थे, फिर जाका अशरफ आ गए, और अब तो खैर अब तो वो इंसान आया है जिसको पाकिस्तान के जो खुद पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हैं वो भी बहुत अच्छे से नहीं जानते, क्योंकि क्रिकेट से इनका कोई खास नाता नहीं है। जैसे अगर आप इंडिया में देखें बीसीसीआई के चेयरमैन जब एक उस इंसान को बनाया गया जिसका क्रिकेट से बहुत ज्यादा नाता नहीं था, तो जय शाह को देख करके काफी लोगों ने हर तरह की बात करी, वही यहाँ पर मोहसिन नकवी जो कि आपको इंटरिम चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, यहाँ पाकिस्तान का पंजाब वहां के, अगर आप देखोगे उनको सर्च करोगे तो लिखा रहेगा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, और उनको यहाँ पर चेयरमैन बना दिया गया है। तो एक नया नाम, एक ऐसा नाम जिसका क्रिकेट से कोई खास रिलेशन नहीं है, और अब मानो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान कह रहे हैं ना कि बद से बदतर हो गई। जब जाका अशरफ गए थे और न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान वो मैच जीता था तो कहा यह जा रहा था कि जाका अशरफ के जाते ही मानो सब कुछ बेहतर हो गया, सब कुछ बेहतर हो गया, सब खुश मिजाज हो गया, अब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन फिर एक नया नाम आता है तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो बद से बदतर हो गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पता आप कौन हो, कोई जानता नहीं आपको, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि टीम में जो नाम है ना बाबर आजम, इसकी इज्जत करना तो हम आपकी इज्जत करेंगे। जो बाबर के फैंस हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि आप इनकी इज्जत करो हम आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन आपके बारे हम बस इतना ही कहेंगे कि हमें नहीं पता, अगर क्रिकेट का आपको सेंस है तो प्लीज पाकिस्तान को संभाल लो, क्योंकि फिलहाल जो पाकिस्तान का हाल है वो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। रमीज राजा से बहुत उम्मीद थी, नजम शेट्टी से बहुत उम्मीद थी, जाका अशरफ से बहुत उम्मीद थी, और जो लाइन जाका अशरफ ने मारी थी वही लाइन इन्होंने ही मारी। जाका अशरफ ने आते वक्त कहा था कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बदल के रख दूंगा, मैं पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत इंप्रूव करूंगा और इस पर बहुत काम करूंगा, और जाने वक्त क्या कहकर गए, मुझे मौका ही नहीं मिला काम करने का, मुझे वो जिम्मेदारी ही नहीं दी जा रही है, मैं जो काम करना चाह रहा हूं लोग मुझे करने ही नहीं दे रहे। और अब जब यहां पर नकवी साहब आए तो वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को बदल दूंगा, मैं पाकिस्तान क्रिकेट में वो रिफॉर्म लेकर आऊंगा जिसकी अभी जरूरत है, जो नीड ऑफ द आवर है मैं उसको लेकर आऊंगा और यहां से पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल बदल जाएगा। अब बदलने का मिजाज अगर ऐसा होता है कि बाबर आजम फिर से कप्तान बन जाते हैं तो पता नहीं, क्योंकि देखिए जाका अशरफ थे जिन्होंने बाबर को नीचे डिमोट किया था और उसके बाद वही थे जिन्होंने उन्हें कप्तानी से भी हटा दिया, तो जाका अशरफ चले गए, एक नया इंसान आ गया है, तो क्या ये जो नया इंसान आया है अगर बाबर इनको पसंद होगा तो जाहिर सी बात आप दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छा देख सकते हो, आप दोबारा से बाबर को कप्तानी करते हुए देख सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी ओडीआई का कप्तान कोई फिक्स नहीं है, आपने शान मसूद को टेस्ट में कप्तानी करते हुए देख लिया, आपने टी20 में शाहीन को कप्तानी करते हुए देख लिया, और शाहीन की कप्तानी पर तो काफी सवाल उठे हैं, तो अब पता नहीं हो सकता है कि ये जो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं इस रिफॉर्म में कुछ ऐसा हो कि बाबर आ जाए। क्या आपको लगता है कि वो काम जो क्रिकेट बैकग्राउंड वाले लोग अब तक चेयरमैन बनकर आ रहे थे नहीं कर पा रहे थे, क्या वो काम एक पॉलिटिशियन कर पाएगा, वो इंसान जो बहुत ज्यादा क्रिकेट से जुड़ा हुआ नहीं है, क्या वो इंसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्चुअली में उसको वो रिफॉर्म कर सकता है जो नीड ऑफ द आवर है, या फिर ये भी उसी लिस्ट में शुमार हो जाएंगे जहां पर लोग आते हैं क्रिकेट को और खराब करते हैं, पीसीबी को और खराब करते हैं और फिर चले जाते हैं, क्या यहां से कुछ इंप्रूव होगा या फिर ये भी उसी लिस्ट में शुमार हो जाएंगे? आपको क्या लगता है, फिर राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।